जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग करड़ी पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, करड़ी में इस तरह का प्रश्न दिया गया है। देखिए, लिखा गया कि -343 गुणे 512, इसके ऊपर देखिए करड़ी लगी, करड़ी लग करके इस पर तीन लगा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इसको 1/3 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसको लिखें कितना, तो हो जाएगा -343 गुणे 513, कुल की घाते हम लिख सकते हैं, 512 के घाते लिख सकते हैं 1/3। इसको सरल कर देंगे तो देखिए, जब इसको सरल करें कितना हो जाएगा, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -343 घाते 1/3 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 512। ये 512 है, इसे लिखेंगे 512 घाते 1/3। तो आप देखिए, ये हो जाएगा -7 घाते 3 का घाते 1/3, और ये हो जाएगा, ये हो गया 6 घाते 3 का घाते 1/3। तो देखिए, जब 3 से गुणा, 3 से 3 कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा, बचा यहाँ 7 और यहाँ पर 6, यहाँ माइनस है तो हम गुणा कर दे, आ जाएगा -7 गुणे 6 बराबर आ जाएगा 42। इस तरह इसका आंसर कितना गया, 42। इसी तरह देखिए, हम 64 घाते 3/4 है, इसको भी कर सकते हैं, 64 घाते 3/4। तो 64 घाते 3/4 को हम क्या करेंगे, इसको पहले हम 64 को लिख सकते हैं कितना, 2 घाते कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना लिख पाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 2 के 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, इसको लिख सकते हैं 2 घाते 6। तो आप यहाँ लिख देंगे 2 घाते 6, और कुल घाते कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 2 को घात के रूप में कर दिए। अब आप क्या करेंगे, अब इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 घाते 6 गुणे 3/4 हो जाएंगे, 3/4। अब आप इसको सरल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 3 2 3 6 2 2 4, तो बराबर आ जाएगा कितना, 2 घाते कितना हो जाएगा, 3 3 9/2। तो आप इसको अब लिखने कितना, ऐसे लिख सकते हैं कि करड़ी में लिख करके इसके ऊपर 2 घात 9 लिख सकते हैं, इसका सरल करके आप मान निकाल सकते हैं। इसी तरह देखिए, 3375 है, तो 3375 को भी हम पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए, इसका गुणनखंड कितना होगा, 3 × 3 3 × 9 3 × 27 और 5 × 5 × 5। इस तरह से हम इनका पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करने के बाद अब क्या करेंगे, देख रहे हैं ये 3 की घात 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात 3 और गुणे 5 की घात 3, कुल घात लिखा गया 1/3। देख रहे हैं 3 घात 3 और 5 घात 3 है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 3 × 5 घाते 3 और कुल की घात हो जाएगा 1/3। ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 15 घात 3, 3/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 15। ऐसा करते हैं कि आपको बड़े सरल ढंग से समझ में आ गया होगा। देखिए, इसी तरह से हम इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। लिखा गया कि 5 के स्क्वायर -5 के स्क्वायर, उसके ऊपर देखिए कड़ी लगी 1/2 की, तो 5 के स्क्वायर के आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और देखिए 5 का स्क्वायर ये भी 25, ये भी हो जाएगा, और इसकी घात कितना हो गया, 1/2। तब अब आप इसको कर दे, कितना हो जाएगा, 25 50 हो गया, 50 घात आ गया 1/2। तो इसको आप लिख सकते हैं करड़ी में 50, करड़ी में 50 को आप लिख सकते हैं 5 करड़ी में 2। देखिए, इस तरह का एक प्रश्न और है कि 400 करड़ी में, फिर 0.04, फिर देखिए 0.00004 करके प्रश्न दिया गया है। तो 400 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 400 घाते 1/2
दो, और इसको लिख सकते हैं कि 0.04 घाते 1/2, और इसको लिख सकते हैं 0.00004 कुल घाते 1/2। अब इनका गुणनखंड कर देंगे तो आप चाहे तो 20 डायरेक्ट ही करें तो डायरेक्ट करें क्या हो जाएगा, हो जाएगा 20 घाते 2 कुल घात 1/2 हो जाएगा, और देखिए हो जाएगा 0.2, 0.2 घाते 1/2 होगा, और देखिए 2 घात इसमें अंदर भी है। इसी तरह देखिए क्या होगा, देखिए इस पर है कि 0.2 कितना होगा, 0.0 इसको लिख सकते हैं कैसे, देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको लिख सकते हैं 0.002 का स्क्वायर और कुल घाते 1/2। तो देख रहे हैं अब 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आ गया कितना, यह आ गया 20, और यह हो गया 0.02, और यह आ गया 0.002। सबको ऐड करें कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 20.202। ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, धन्यवाद।